मैंने अपनी कौम को अपने भाई के हवाले किया, मेरा भाई गुमराह नहीं हुआ, मेरा भाई गुमराह, मेरी कौम गुमराह क्यों हो गई? इस सवाल का जवाब दो। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, ए अल्लाह मैं दरख्त में छुप गया था, मेरे दुश्मन ने दरख्त के साथ मुझे चीर दिया, तूने मुझे बचाया नहीं, तमाशा बन करके खड़ा रहा, तमाशाई बन करके क्यों खड़ा रहा? तीनों सवालों के जवाब को सुनिए और अल्लाह पर पूरा भरोसा करेंगे तभी नजात मिलेगी। अगर आधा भरोसा करेंगे, आधा भरोसा नहीं करेंगे, कभी नजात नहीं मिलेगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब यह सवाल किया, ए अल्लाह मैंने बचपन में आग के अंगारे को हाथ में लिया, मेरा हाथ नहीं जला, मुंह में लिया मुंह क्यों जल गया? तो अल्लाह ने जवाब दिया कि हाथ में लेना मेरे हुक्म से था इसलिए हाथ नहीं जला, और मुंह में लेना मेरे हुक्म से नहीं था इसलिए मुंह जल गया, हाथ नहीं जला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक अहम नुक्ते को और ध्यान में सुनिए, अल्लाह ने जवाब दिया कि तुम्हारी कौम गुमराह हो गई, तुम्हारा भाई गुमराह नहीं हुआ, तुमने भाई पर भरोसा किया इसलिए कौम गुमराह हो गई, अगर मेरे ऊपर भरोसा करते तो तुम्हारे भाई भी गुमराह नहीं था, तुम्हारी कौम भी गुमराह नहीं होती। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि अल्लाह जब मैंने अपने मौजिसे से थे दरख्त से कहा कि दरख्त मुझे छुपा लो, मेरे दुश्मन ने मेरे दामन को देखा दरख्त से बाहर, उसने आरी के साथ मुझे चीर दिया, तू तमाशा ही बन करके खड़ा रहा, तूने मेरी मदद नहीं की, तो अल्लाह ने जवाब दिया तूने अपने मौजिजे पर भरोसा किया, दरख्त से मदद मांगी, मैं खुदा था दरख्त का पैदा करने वाला, मुझसे मदद मांगते तब मैं मदद करता, मुझसे मदद नहीं मांगी इसलिए आरी से चीर दिया। अल्लाह आखिरी नमूने पर आ रहा हूं, अल्लाह पर भरोसा करेंगे नजात होगी, पूरा भरोसा करेंगे तब नजात होगी। हबीब अजमी अपने वक्त के बहुत बड़े वली, गुसल करने के लिए अपना कीमती लिबास उतार करके सड़क पर रखा और गुसल करने के लिए तालाब में चले गए। हसन बसरी का जब गुजर हुआ तो देखा कितना कीमती कपड़ा रखा हुआ है सड़क पे, पता नहीं कौन चोर ले जाए उचक्का ले जाए, और हबीब अजमी का कपड़ा देखने को लगता है वही का उसी का कपड़ा है, हिफाजत करने के लिए बैठ गए। जब हबीब अजमी गुसल करके आए तो देखा कि कपड़े के पास हसन बसरी बैठे हुए, कहा कि उस्ताद क्या बात है आप मेरे कपड़े के पास बैठे हो, करे अल्लाह के बंदे इतनी तो अकल होनी चाहिए, इतना कीमती कपड़ा साथ पर रखा जाता है, किसके भरोसे पर तुमने इतना कीमती कपड़ा सड़क पर रख दिया था? कहा कि उस जात पर भरोसा किया जिसने हिफाजत के लिए आपको यहां पर ला करके खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए बंदे, रहमान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो रहमान करेगा। हमें की जरूरत नहीं आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है, जो कुछ है तेरे दिल में सभी उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारा पैगाम मुकम्मल हो चुका है आपकी।